गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का 4 मार्च से लेकर 28 मार्च 2018 तक, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको बनाने से पहले मैंने बहुत से पैरामीटर्स का ध्यान रखा है, तो आप लोगों को चलिए मैं बता देता हूँ किन किन पैरामीटर्स को मैंने कंसिडर आउट किया है और उस जिसके थ्रू मैंने ये बनाया है। तो सबसे पहले मैंने 2016 और जो 15 और 14 के प्रीवियस कट ऑफ को मैंने लिया है, जिससे उसके बाद जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे कि मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाले एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन हो, चाहे टेस्ट बुक हो, चाहे ऑनलाइन तैयारी हो, इन सब का जो एनालिसिस है उनको मैंने कंसिडर किया है। उसके बाद जो मेरा थर्ड है, जो भी स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, तो उन सब फीडबैक के आधार पे मैंने इन 3-4 पैरामीटर्स को कंसीडर आउट करके, और एक और पैरामीटर मेरा 4th-4th पैरामीटर ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे 14 में कितना था, 15 में कितना था, 16 में कितना था, इस हिसाब से कितना कट ऑफ गया, और जो 17 में कितना वैकेंसी है, तो इस कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान रख के मैंने अपना ये अपडेटेड वीडियो बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो अपने प्रीवियस कट ऑफ के बारे में आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो ऑफिशियल कट ऑफ है टीयर 1 का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कि जो ऑफिशियल कट ऑफ 2014 का था, 2014 में जनरल का ऑफिशियल कट ऑफ गया था 120 गया था, ठीक है, और वही जनरल का 2015 में गया था 119 और 2016 में गया था 127। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस माइनस 5 का डिफरेंस रहा है 14, 15 और 16 में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिए, ओबीसी में जो था 14 में था 108, 15 में था 110 और 16 में था 120। तो यहाँ पे ओबीसी में जो 15 और 16 में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला था, जबकि 14 15 में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। उसके बाद मैं एससी की बात करूँ तो एससी में 14 में 95 था, 15 में 99 हुआ और 16 में 108 हुआ। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, हर साल लगभग 5 या 6 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एसटी की बात करें तो 86 रहा था 14 में, 89.5 रहा था 15 में और 99 रहा था 16 में। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, हर साल लगभग 5 या 6 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से वीएच की बात करूं जो हैंडीकैप में आता है ये सब, तो वीएच का 82 रहा था 14 में, 83.5 रहा था 15 में और 96 रहा था 16 में। ओएच का 84 रहा था 14 में, 88 रहा था और 16 में 97.5 रहा था। एचएच में 14 में 53 रहा था, 15 में 55 रहा था और 16 में 65 रहा था। उसके बाद मैं बात करूं आपसे एक सर्विसमैन का, तो 14 में कोई एक सर्विसमैन का पोस्ट नहीं था, 15 में 45.5 था और 16 में 64.5 था। तो ये फ्रेंड्स, ये जो मेरा डाटा था ये 14 15 और 16 का था, कि 14 और 15 16 में कितने कितने कट ऑफ गए थे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या डिफरेंस गया था 14 15 और 16 में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो अभी मैं आप लोगों को यही न्यूज़ दे दूँ कि नंबर ऑफ इस बार का पोस्ट कितना है और जिसके जो क्या इफेक्ट करेगा, प्रीवियस पोस्ट कितना था और कट ऑफ क्या था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले साल 2016 के अगर बात करूं तो 2016 में 6709 पोस्ट था और 2016 का कट ऑफ आप लोग यहां पे देख रहे हैं, जनरल का 127 रहा था, ओबीसी का 120 रहा था, एससी का 108 रहा था, एसटी का 99 रहा था, ठीक है, यहां पे आप लोग देख लीजिए। उस तो ये जब कब था, जब पोस्ट थे लगभग 6709 पोस्ट थे, ठीक है, 6709 पोस्ट था उस वक्त, तब जाके कट ऑफ इतना रहा था। और इस साल जो है, जो 2017 का एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों का हुआ है 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक, तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ओनली 3259 3259 है। हालांकि अभी एसएससी के द्वारा नंबर ऑफ पोस्ट अपडेट किए गए हैं, जो कि आप मेरे एसएससी के प्लेलिस्ट से जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं और वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा कि जो कितने पोस्ट, इसमें कुछ पोस्ट फ्रेंड्स इंक्रीज हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो फ्रेंड्स, जो जनरल का कट ऑफ है मेरे हिसाब से 139 से 143 देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो रहा था कोई टफ नहीं रहा था, एग्ज़ाम का लेवल था काफ़ी इजी टू मॉडरेट रहा था, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी जनरल और ओबीसी जनरल का ये 140 से 145 के बीच में रह सकता है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 131 से 133 मतलब 130 to 135 आपको देखने को मिल सकता है।
उसके बाद मैं एससी की बात करूँ तो 120 से 22 यहाँ पे है, तो मतलब इसको आप लोग कंसीडर कर लीजिए 120 से 25 तक आपको देखने को मिल सकता है। वही एसटी का भी 110 से 15 के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया है, और जिसमें 14, 15 और 16 इन सारे अपडेट मैंने दिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिए, और उसके बाद जो है मेरा जो मैंने पैरामीटर आपको बताया ही था पहले, जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हुए, ऑनलाइन जो CBT एग्ज़ाम हुआ, और जितने भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का मुझे फीडबैक मिला, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लगभग 3200 से ज़्यादा कैंडिडेट मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी मुझे फीडबैक मिला, तो इन सबको कंसिडर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ आता रहे मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को लाभ मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।